बॉडी पेन हो, जॉइंट पेन हो या फिर कोई इंजरी का पेन हो, ये एज देख के नहीं आता। हर एज में हमें पेन हो सकता है और हमें उस पेन से रिलीफ के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन यूज करना ही पड़ता है। आज भी हम किसी ऐसे ही सोल्यूशन को रिव्यू करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। इसका नाम है वॉलिनी। ये है वॉलिनी 360 स्प्रे। हम इसी के साथ में इसकी जो दूसरी फॉर्म ऑफ डोजेज आती है वॉलिनी जेल, उसको भी रिव्यू करेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये करता क्या है। सो वॉलिनी जेल एंड वॉलिनी स्प्रे दोनों के दोनों एक पेन किलर जेल है और पेन किलर स्प्रे है। ये पेन किलर ऐसे हैं जो कि इन्फ्लामेशन होने पे आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है। अगर आपको इंजरी हो गई है तो आपके सॉफ्ट टिश्यूज की इंजरीज को, एक्सटर्नल इंजरीज को रिलीफ करवाता है। अगर आपको सूजन आ गई है, स्वेलिंग्स आ गई है, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आपको दर्द हो रही है एक्सेसिवली एक्सरसाइज करने से और आपके जॉइंट पेन हो रही है, उन जॉइंट पेन्स में हेल्प करता है। रूमेटाइड की वजह से जो आपको पेन्स हो रही है उन जॉइंट पेन्स में भी हेल्प करता है। अगर आपको नेक में पुल हो गया है, स्प्रेन हो गया है, उनमें भी आपकी ये हेल्प करता है। सो ओवरऑल ये आपकी हर तरह की पेन का केयर करता है। ये है इसका काम। सन फार्मा की नंबर वन ब्रांड है जो कि डॉक्टर्स की नंबर वन रेकमेंडेड ब्रांड है। दिस इज व्हाट इज बीन रिटन ऑन द पैकेज एंड दिस इज व्हाट इज बीन सेड एज पर द डेटा। लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग। सो दोनों के दोनों ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सन फार्मास्यूटिकल की मैन्युफैक्चर है, मेड इन इंडिया है। इसकी कॉस्ट है अराउंड 130 रुपीज़, इसकी कॉस्ट है 155, इसकी क्वांटिटी है अराउंड 50 ml और 40 ग्राम, इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम के अलावा 2 साल की एक्सपायरी डेट दोनों प्रोडक्ट्स की है। दोनों के दोनों 2 साल तक के लिए रहते हैं, विच इज़ अ क्वाइट डिसेंट टाइम टू बी यूटिलाइज। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअली इस पैकेजिंग के बारे में। ये एक स्प्रे बॉटल है। सो स्प्रे में क्या होता है कि हम लोग ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं जो कि प्रोपेलेंट होते हैं। इसके अंदर हम अपने जितने भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं और फिर इनको यूज़ करना ईजियर हो जाता है। स्प्रे का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इसकी पेनिट्रेशन काफ़ी हायर होती है, बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन में हमारी स्किन को पास करके सीधा ब्लड वेसल्स में पहुँच के हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसका एक और फायदा क्या है, इस पर ये 360 मेंशन है, उसका ये फायदा है कि आप इसे किसी भी एंगल से यूज कर सकते हैं और वो सेम क्वांटिटी में निकलेगा, बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट देगा और आपको यूज करने में बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं जेल के बारे में। जेल एक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन होती है। इसका जो बेस होता है वो एक लिक्विफाइड जेल बेस होता है जिसके अंदर हम अपने मेडिसिनल प्रोडक्ट डालते हैं। इसमें नैनो पार्टिकल की जो है टेक्निक यूज़ की गई है। नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं कि इतने छोटे बनाए जाते हैं पार्टिकल कि हमारी स्किन को बहुत इजीली परमिएट कर जाते हैं, उनको क्रॉस कर जाते हैं स्किन में से और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होकर हमें एक्शन देते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद फटाफट ब्लड में पहुँचते हैं, मसल्स में पहुँचते हैं और वहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। दोनों के दोनों का एक्शन इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर एंड फास्ट, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन या बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके फॉर्मूला के बारे में। दोनों के दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, परसेंटेज वाइज भी एग्जैक्ट बिल्कुल A to B मैचिंग फॉर्मूला है। सो अगर हम बात करें कि इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, इसमें डाइक्लोफेनेक डाइमिथाइल भी है। डाइक्लोफेनेक एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपकी पेन को कम करता है और एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, पेन किलर का इफेक्ट देता है। उसके अलावा इसमें यूज़ किया गया है लेंसेड ऑयल। लेंसेड ऑयल जो है ये बेसिकली फ्लैक्स सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये भी जो है ये एक पेन किलर प्रॉपर्टी रखता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। थर्ड उसमें जो यूज़ किया गया है वो है मिथाइल सैलिसिलिएट। मिथाइल सैलिसिलिएट भी जो है ये भी एक इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, आपकी मसल्स में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्वेलिंग को कम करेगा। ये तीनों ऐसे इंग्रेडिएंट हैं बहुत जो कि बहुत जल्दी आपकी बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लास्ट प्रोडक्ट जो इसमें यूज़ किया गया है वो है मिंथॉल। मिंथॉल जो होता है ये एक कूलिंग इफेक्ट देता है और बेसिकली आपको एक डाइवर्जन देता है। सो जैसे ही आपको चोट लगी है, जहाँ पे भी आपको स्प्रेन आया है, अगर आप मिंथॉल वहाँ पे लगा देंगे तो मिंथॉल एक कूलिंग इफेक्ट देगा, आपका ध्यान थोड़ा सा बटेगा और आपको हल्का सा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी देता है और हल्का सा एक पेन किलर इफेक्ट भी देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनको इस्तेमाल कैसे किया जाए। नाउ सबसे पहले बात करूंगी मैं स्प्रे को। स्प्रे को यूज़ करने के लिए आपको उसको अराउंड 5 सेंटीमीटर के गैप
5 सेंटीमीटर हो गया अराउंड, इतना इतने से गैप से आपको उसको स्प्रे करना है। अब बात कर लेते हैं जेल को कैसे यूज करना है। जेल को यूज करने के लिए आपको जेल निकालना है, थोड़ा सा अमाउंट लेना है, पी साइज अमाउंट लेना है, और जहाँ पे भी इंजरी है या आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है तो लीजिए। उस इंजरी पे लगाने के बाद में सिर्फ लाइटली आपको उसको स्प्रेड कर देना है, और ना ही उसको ज़ोर से रब करना है, ना ही ज़ोर ज़ोर से मसाज देने की ज़रूरत है। कि बहुत ही फास्ट एब्जॉर्बिंग मटेरियल है तो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाएगा और कोई रेजिडुअल भी नहीं छोड़ेगा। इसके साथ हमें दोनों के साथ में क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहली चीज़ है कि प्लीज़ बच्चों से दूर रखिए, बच्चों पे इस्तेमाल ना करिए। सेकेंड मेजर थिंग इज कि ये खाने के लिए नहीं है, इंजेस्ट करने के लिए नहीं है, ना ही आंखों में स्प्रे करें इसको गलती से भी, बिकॉज अगर किसी भी ओपन कैविटी के थ्रू ये अंदर जाएगा तो ये आपको बहुत तकलीफ कर सकता है। थर्ड चीज़ है कि आप इसको एक कोल्ड एंड ड्राई डार्क प्लेस में स्टोर करें, धूप धूप में ना रखें, क्योंकि ये जो है ये इन्फ्लेमेबल है भी है, इसको आपको आग वाग से भी दूर रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसे ओपन वुड्स पे मत यूज़ करिए, क्योंकि ओपन वुड पे ये बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशंस देता है। आई होप यू लाइक द रिव्यू। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप और जानना चाहते हैं, डू राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, एंड आई वुड लव टू हियर व्हाट डू यू हैव अ यू नो ओपिनियन अबाउट दिस प्रोडक्ट। नाउ कीप लाइकिंग, फॉलोइंग एंड शेयरिंग माई पेज। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।